पृथ्वी की शुरुआत फ्यूचर से होती है, जहां हमारी दुनिया का मौसम पूरी तरह से तबाह हो गया है, क्योंकि सूरज के जैसा एक और स्टार हमारे सोलर सिस्टम में आ गया है, जिस वजह से हमारी दुनिया में अब दो सूरजों की गर्मी आने लगी है और इतनी ज्यादा हीट से सब बर्बाद हो रहा है। हालांकि ये स्टार 200 सालों में हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाएगा, तो 200 सालों तक यहाँ के इंसानों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी अंडरग्राउंड सिटी को बनाया जाता है, जिसका नाम होता है अंबर सिटी। इस सिटी में 200 सालों तक इंसानों को जिंदा रखने के लिए हर तरह के रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लिया गया है, क्योंकि यहाँ के लोगों को बाहर निकलने की परमिशन 200 सालों के बाद ही मिलेगी, और वो भी सिर्फ एक खास रास्ते से ही बाहर निकल पाएंगे, जिसका रास्ता एक मैप पर बनाया गया है, और उस मैप को कुछ हिदायतों के साथ एक ब्रीफकेस में बंद करके इस शहर के मेयर को सौंप दिया जाता है। वक्त गुजरने के साथ ये आने वाले मेयर को दिया जाता है। कुछ वक्त तक ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन फिर एक टाइम पर जब प्रेजेंट मेयर की डेथ हो जाती है, तब ये ब्रीफकेस आगे नहीं जा पाता, और फिर गुजरते वक्त के साथ ये ब्रीफकेस बस एक कहानी बनकर रह जाता है। हालांकि 200 साल पूरे होने पर बॉक्स खुद ही खुल जाता है, पर इसमें क्या है इस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता, और अब बाहर निकलने का रास्ता खो जाने की वजह से ये सारे लोग अंदर ही फंस जाते हैं, और धीरे धीरे मौत इनकी तरफ बढ़ने लगती है। वहीं अब ये सिटी एक जनरेटर पे चल रही है, पर इस जनरेटर की लाइफ भी खत्म होती जा रही है, साथ ही यहाँ खाने पीने का सामान भी खत्म होता जा रहा है। आज यहाँ के हाई स्कूल में एक सेरेमनी होती है। दरअसल यहाँ की सोशल लाइफ को स्कूल से ही चलाया जाता है, और पास होने वाले स्टूडेंट्स को इसी सेरेमनी में जॉब्स दी जाती हैं। उन्हें पर्चियाँ उठाने को कहा जाता है, जिसमें अलग अलग तरह की जॉब्स लिखी होती हैं, और यही पर्चियाँ इनका करियर डिसाइड करती हैं। अंबर सिटी की सबसे बड़ी जॉब जनरेटर का मैकेनिक बनना होता है। इन सब में एक बच्चा डियोन भी होता है, जो अपने पिता की तरह जनरेटर की जॉब करना चाहता था, लेकिन उसकी पर्ची पर डाकिया बनना लिखा होता है। वहीं एक और लड़की लीना, जिसकी पर्ची पर पाइप वर्क लिखा होता है, उसे डाकिया बनने का शौक था, इसीलिए ये दोनों आपस में अपनी पर्चियों को एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि पाइपलाइन का काम भी जनरेटर से ही जुड़ा हुआ था। डाकिया की पर्ची लेकर लीना खुश होते हुए अपनी दादी के पास जाती है, जहाँ दादी उसे उसके पिता का आखिरी मैसेज याद करने को कहती है। दरअसल लीना के पिता ने मरने से पहले बाहरी दुनिया के बारे में एक बहुत खास बात बताई थी, लेकिन लीना को लगता था कि ये सब फिजूल की बातें हैं, इसीलिए उसने उन पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। उस मैसेज में बैरो नाम के एक आदमी का भी जिक्र था, लेकिन पूरे शहर में ऐसा कोई भी आदमी नहीं होता। अगली सुबह लीना पूरी एक्साइटमेंट के साथ अपने काम पर जाती है, और जब वो अपना काम कर रही होती है, तभी बाहर शोर मचने लगता है। लीना बाहर जाकर देखती है कि कुछ लोग एक आदमी को टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि उस आदमी का कहना था कि उसने शहर के अंधेरे हिस्से में एक बहुत बड़े कीड़े को देखा है। उस हिस्से में किसी को भी जाना अलाउ नहीं होता, इसीलिए किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, लेकिन लीना उसके हाथ से गिरे हुए कीड़े का पार्ट उठा लेती है। जबकि दूसरी तरफ डियोन भी अपने काम पर जाता है, जहां उसका चिड़चिड़ा बॉस सोल उसे काम करवाता है। हालांकि डियोन यहां की पाइपलाइंस को ठीक करना चाहता था, पर सोल ऐसा करने से उसे मना कर देता है। वो कहता है कि तुमसे पहले भी बहुत लोगों ने इसे ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन सब नाकाम ही रहे। पर ड्यून को किसी भी तरह पाइपलाइंस पर काम करना था, इसीलिए वो सोल का नक्शा चुरा लेता है, और उन टनल्स को ढूंढता हुआ वो रूम नंबर 351 में पहुंच जाता है। लेकिन ये रूम तो मैप में था ही नहीं, इसीलिए उसका इंटरेस्ट अब इस रूम में और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद वो दूसरे टनल की तरफ जाने लगता है। हालांकि किसी को भी पता नहीं होता कि ये टनल आखिर जाती कहाँ है, इसीलिए ये काम बहुत ही खतरनाक था। आगे बढ़ते हुए ड्यून उस एरिया में आ जाता है, जहाँ पूरे सिटी का खाना स्टोर किया जाता था, लेकिन ये क्या, यहाँ तो सारा खाना ही खत्म हो चुका है। तभी वहाँ पर रूम का गार्ड लूपर आ जाता है। लूपर ड्यून को पकड़ लेता है। दरअसल लूपर को कोई भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि सबका मानना था कि लूपर ही खाना चुराता है। तभी सिटी का जनरेटर बंद हो जाता है। हालांकि जनरेटर को जल्दी ही ठीक कर लिया जाता है, लेकिन सभी को पता था कि ये जनरेटर अब किसी भी वक्त बंद हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लीना अपना काम खत्म करके अपनी दादी के पास पहुंच जाती है। लीना उनसे ब्रीफकेस के बारे में पूछती है। दरअसल लीना के दादा ही वो मेयर थे जिनकी मौत के बाद वो बॉक्स आगे नहीं बढ़ पाया था। लीना उस बॉक्स को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे ये पता नहीं होता कि आखिर उस बॉक्स के साथ करना क्या है। अगले दिन लीना जब काम पर जाती है, तो वो लूपर से मिलकर उसे मेयर को एक लेटर देने को कहती है। इसके बाद वो जब मेयर के पास जाती है, तब वहाँ वो एक दराज को देखती है, जिसे मेयर छुपा लेता है।
साथ ही वो लीना को पुराने मेयर्स की तस्वीरें भी दिखाता है, जिसमें उसके दादा की तस्वीर भी होती है जो कि हाथ में उसी ब्रीफकेस को पकड़े हुए थे। इन दिनों ये शहर खाने और दवाइयों की कमी से जूझ रहा था। लोग किसी तरह जिंदा रहने की कोशिशों में लगे हुए थे। अब लीना डिगुन से मिलती है और उसे कीड़े का वही सींग देती है जिसे उसने कुछ दिन पहले सड़क से उठाया था। घर पहुंचकर डिगुन किताब में उस सींग को ढूंढने लगता है। हालांकि उसके फादर भी इस कला में माहिर होते हैं, लेकिन उनका कहना भी यही था कि किसी भी बीटल का इतना बड़ा सींग हो ही नहीं सकता। साथ ही वो डिगुन से कहते हैं कि तुम अपनी ये ऊटपटांग खोजे बंद कर दो। यहाँ से निराश होकर डिगुन लीना के पास पहुँचता है, जहाँ वो उसे अपने दादा का ब्रीफकेस दिखाती है जिसमें एक फटा हुआ पेज और एक अजीब सी चीज मिलती है। ये लोग उन फटे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसके बाद उन्हें सिटी के बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन इस रास्ते से जाने के लिए उन्हें रूम नंबर 351 से होकर गुजरना होता है। ये लोग उस रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें एक लंगड़ा आदमी मिलता है जो कि उन्हें देखते ही भागने लगता है और भागते हुए वो खाने के बॉक्सेस इनके ऊपर फेंकने लगता है। ये देखकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो खाने के बॉक्सेस तो शहर में बहुत पहले ही खत्म हो चुके थे। तभी एक बहुत बड़ा जानवर उन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। बाहर निकलकर लीना डिगुन के हेलमेट को पहचान जाती है जो कि दरअसल उसके पिता का था। वो ये समझ जाती है कि उसके पिता भी पाइपलाइंस का ही काम करते थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। तब डिगुन कहता है कि सोल ने मुझे बताया था कि इस हेलमेट का मालिक पाइपलाइन में काम करते वक्त डूब गया था। इसके बाद लीना अपनी आंटी के घर जाती है और उनसे अपने पिता की डेथ के बारे में पूछती है। वो बताती है कि दरअसल तुम्हारे फादर को सिटी से बाहर निकलने का बहुत शौक था और एक बार तो उन्होंने यहाँ से बाहर जाने का शॉर्टकट भी ढूंढ लिया था, पर बाहर निकलने से पहले ही उनकी डूबने से मौत हो गई थी। ये सब जानकर लीना बहुत उदास हो जाती है। तभी वहाँ पर वो लूपर को देखती है जो कि लंगड़ाता हुआ आ रहा था, जिसे देखकर उसे कुछ याद आता है और वो भागते हुए डिगुन के पास पहुंचकर उसे कुछ बताती है, जिसके बाद ये दोनों रूम नंबर 351 में पहुंच जाते हैं। लेकिन वो दोनों ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि ये रूम खाने से पूरा भरा हुआ था। दरअसल प्रेजेंट मेयर ने इस रूम में अपने लिए खाने का स्टॉक भर लिया था जो कि उसकी फैमिली की पूरी जिंदगी के लिए काफी था। हालांकि बाहर लोग खाने की कमी की वजह से मर रहे थे। इसके बाद ये दोनों के दोनों वापस से लीना के घर आ जाते हैं। घर आकर ये दोनों लीना के फादर की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, जिसे बहुत ध्यान से सुनने पर वो आवाज को काफी हद तक पहचान जाते हैं। साथ ही डिगुन को बैरो नाम भी सुनाई पड़ता है, जिसका जिक्र उसके पिता ने पहले भी किया था। अब वो भागते हुए अपने पिता के पास जाता है और उनसे लीना के पिता के बारे में पूछने लगता है। साथ ही वो बैरो का जिक्र भी करता है। तब उसके पिता उसे बताते हैं कि लीना के पिता और बैरो एक मिशन पर थे जिसमें वो कभी भी कामयाब नहीं हुए और उस मिशन में बैरो के बहुत से लोग भी मारे गए थे और इसी वजह से मैंने तुम्हें इस मिशन के बारे में नहीं बताया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम भी इस मिशन पर निकलो। वहीं दूसरी तरफ लीना मेयर को बेनकाब करने में लगी होती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है। पर तभी लाइट चली जाती है, जिस वजह से लीना को मेयर का बैच चुराने का मौका मिल जाता है, जिसके बाद लीना और डिगुन को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बना दिया जाता है। हालांकि ये दोनों अपने मिशन पर आगे बढ़ रहे होते हैं। एक जगह पहुंचकर डिगुन मेयर के बैच को उस टूटे हुए टुकड़े से जोड़ देता है जिस पर जनरेटर का साइन बना हुआ था। दरअसल उन्हें लग रहा था कि ये इस रूम की चाबी है, लेकिन वो लोग गलत थे। इसके बाद लीना इंस्ट्रक्शन को दोबारा पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि इन्हें लॉकर को पीछे लाकर खोलना होगा, और ऐसा करते ही एक और चैम्बर खुल जाता है जिसमें और भी बहुत सारे लॉकर्स होते हैं, जिनको देखकर इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर करा क्या जाए। लेकिन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ये लोग व्हील को घुमाते हैं, जिससे कि सारे लॉकर एक लाइन में आ जाते हैं और एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है जो कि एक दूसरी अंडरग्राउंड सिटी में जा रहा था, जहाँ पर एक नदी भी बह रही होती है। दरअसल उन लॉकर्स को कुछ रखने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि उसमें लोगों को बैठाकर आगे भेजा जाना था। इसके बाद ये आगे के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए एक रूम के पास पहुंचते हैं, जिसमें वही मेयर की चाबी लगाते ही दरवाजा खुल जाता है और अंदर बहुत सारे बटन्स होते हैं जो कि सारी मशीन्स को कंट्रोल करते हैं। और अब ये लोग बटन से छेड़खानी करते हैं, जिस वजह से लोड बढ़ जाता है और सब कुछ टूटने लगता है। साथ ही सैलाब आने का खतरा भी बढ़ जाता है, जबकि मेयर को लगता है कि अब उसका राज खुल जाएगा, इसलिए वो भागकर एक रूम में छुप जाता है। पर वहाँ एक बहुत बड़ा बीटल आकर उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ सोल डिगुन के पास पहुँच जाता है।
अब ये दोनों मिलकर पाइपलाइंस को ठीक करने लगते हैं, पर किसी को तो लीवर पकड़े रखना होगा। सोल जानता था कि ये खतरनाक काम है, पर लोगों की जान सिर्फ इसी तरह बचाई जा सकती है। पानी का प्रेशर बढ़ने से ड्यून सोल से अलग हो जाता है और लीना के साथ उसकी बहन को लेकर एक बोट में बैठ जाता है, और पानी के प्रेशर के साथ बहते हुए वो लोग एक बहुत ही खतरनाक टनल में आ जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए दुआ करने लगते हैं। दरअसल वो लोग एक वाटरफॉल से नीचे गिर रहे थे और फिर ये एक तालाब में पहुंच जाते हैं, जहां से उन्हें एक लाइट दिखाई देती है। इन्हें लगता है कि ये इस सिटी से बाहर निकलने का रास्ता है, और अंधेरों भरे रास्ते से गुजरते हुए ये लोग किसी तरह बाहर निकल आते हैं, जहां इनकी आंखें सूरज को देखकर चकाचौंध हो जाती हैं। ये वो वक्त होता है जब बाहर के हालात नॉर्मल हो चुके हैं और अब यहां जिंदगी की शुरुआत करी जा सकती है। ये चिड़ियों के पीछे एक जगह पहुंच जाते हैं जहां से वो अंबर सिटी को देख सकते हैं, लेकिन उनकी आवाज वहां तक नहीं जा सकती, जिसके बाद लीना उन इंस्ट्रक्शंस को एक पत्थर में लपेटकर उस छेद से सिटी में फेंक देती है, जिसे ड्यून के पिता उठा लेते हैं, और इस तरह ये सारे लोग बच जाते हैं और इसी मोमेंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।